नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपने लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। घर की कामना करते हैं हम हमेशा, बहुत अच्छा भी होना चाहिए, बहुत खूबसूरत भी होना चाहिए, लेकिन साथ के साथ आप हमेशा चाहते हैं कि घर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, घर की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव होना जरूरी होता है, क्योंकि घर वही स्थान है जो एक तरह का पूरी पूजा का स्थान होता है, आपके सुकून का स्थान होता है, आपकी जिंदगी में खुशियों के पल जोड़ने का स्थान होता है। और ऐसा स्थान हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। कहीं भी किसी भी तरीके की नेगेटिविटी जो है घर के इर्द गिर्द क्या कोसों दूर तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका झोंका भी अगर नेगेटिविटी का घर के अंदर आ गया तो अस्त व्यस्त कर देता है चीजों को। दूसरी बात आती है कि हम सुबह से लेकर के ऑलमोस्ट ऑल 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, कुछ लोग 12 घंटे भी काम करते हैं, 15 घंटे भी काम करते हैं, लेकिन हम क्यों करते हैं इतना काम? इसीलिए करते हैं कि जब हम अपने घर में जाएं, जब हम अपने घर में जाकर के कुछ खुशियों के पल बिताएं, तो हमारी जिंदगी में सुकून भी जुड़े, तरक्की भी जुड़े, स्वस्थ भी रहें, और हैप्पी तो डेफिनेटली रहने का प्रयास करें ही करें। लेकिन ये प्रयास हैप्पी रहने का जो करते हैं, ये ऐसा क्यों नहीं करते कि घर की एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो जाए कि हम हैप्पी ही रहें, हम तनाव में रहे नहीं। छोटी छोटी जिंदगी की ऐसी अड़चनें होती है, वो हर एक की लाइफ में जुड़ी है, कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं है। हाँ, रेशो कम ज्यादा हो सकती है, तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के साथ जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है। बट बहुत सारे लोगों के घरों में तनाव नहीं होता, वो प्रॉब्लम्स होती है, और प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने का सोल्यूशन भी होता है उनके साथ। तो आपको ऐसी दिनचर्याओं में ही कुछ ऐसी चीजें क्या करनी चाहिए जिससे आपके घर का ऑरा पॉजिटिव हो जाए, जिससे आपके घर में नेगेटिविटी एंटर ना करे, जिससे आपके घर में रहने वाले हर व्यक्ति की अचीवमेंट्स अच्छी अच्छी होती रहे, डेवलपमेंट हो, स्वस्थ भी रहे, तरक्की भी होती जाए, धन भी आए, यानी खुशियां भी आए। तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं, अगर हमारे इर्द गिर्द रहती हैं तो हमारी समस्याएं जो है वो कम हो जाती हैं। और वो समस्याएं जो हम अपने घर से लेकर के कैरी करके जाते हैं वो नेगेटिविटी की होती हैं। घर एक मंदिर कहते हैं हम लोग, पूजा जैसा स्थान होता है, इसीलिए लोग दहलीज की पूजा जो है वो जरूर करते हैं। चलिए शुरुआत से बता देते हैं कुछ चीजें करने की, कि घर के अंदर जाले नहीं होने चाहिए। हम लोग नहीं ध्यान देते हैं, हम लोग ध्यान वहां देते हैं जहां पे रोज झाड़ू लगाना होता है, लेकिन कभी हमने कॉर्नर्स ऊपर छत पर नजर मारते ही नहीं है कि हमारे घर में कहीं जाले तो नहीं लग रहे, या किसी पर्टिकुलर चीज के अंदर जाले तो नहीं लग रहे। मान लीजिए आपने सोफा ही रखा है, सोफे के नीचे अगर आप झाड़ू नहीं करेंगे तो वहां एक जाले बनना शुरू हो जाएंगे, तो वहां जाले तो नहीं है। वॉशरूम जहां हम कहते हैं कि ज्यादा ध्यान नहीं जाता, फटाक से गए नहाए तो बाहर निकले, तो कहने का मतलब है कि वॉशरूम के अंदर जाले तो नहीं है। तो जाले अगर आपके घर में लग रहे हैं, वो अपने आप में एक बड़ी नेगेटिविटी है आपके घर में, तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। अगर इस तरीके की कुछ भी चीजें आपके घर में है तो आपने ध्यान देना है, उसे क्लीनिंग करनी है। तो जाले ना हो आपके घर में, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर आती है दूसरी बार कि हम वॉशरूम तो चलो ठीक है, लेकिन किचन के बाहर गंदे रख देते हैं। अब किचन में भी ऐसा होता है कि डस्टबिन भरा रहता है, ऊपर ऊपर से क्लीन कर देते हैं, ऊपर से लिफाफे बदलते रहेंगे, पैकेट्स बदलते रहेंगे, लेकिन नीचे का जो क्लटर है वो साफ नहीं करते हैं। तो नीचे भी उतनी ही क्लीनिंग की जरूरत है। तो अपने किचन को भी हमेशा साफ रखिए, क्योंकि किचन आपके अन्न खाने की जगह है। जहां गंदगी होगी वहां आपका मन भी डिस्टर्ब रहेगा, वहां आपके ग्रह भी कमजोर होंगे, वहां आपकी तरक्कियां आपसे काफी दूर जाना शुरू कर देंगी। तो आपने पहला तो अपने घर के अंदर से जाले हटाने हैं, दूसरा अपनी किचन की ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कहीं भी गंदगी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी लेकर के आती है। आपने देखा होगा कि कई बार आप लोग कहीं बाहर जाते हैं और मान लीजिए 1 महीना 10 दिन 15 दिन अगर आप दरवाजा नहीं खोलते हैं तो आपके घर के अंदर एक अटपटा सा माहौल होता है। जब आप वापस आते हैं सुकून नहीं आता, ऐसा लगता है उखड़ा उखड़ा सामान होता है, नींद थके हुए आ जाएगी आपको। लेकिन एक होता है कि आप पे हैप्पी मूवमेंट रहती है, घर आएंगे तो बड़ा अच्छा फील करते हैं आप,
थकावट उतारने के लिए तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से एक सुकून चाहिए होता है। जब घर बंद रहता है, डस्ट से भरा हुआ होता है, मिट्टी से भरा, जाले से भरा, दीमक से भरा, कूड़े कबाड़ से भरा, तो ये सारी चीजें जो है वो ये नेगेटिविटी ही देगी, ये आपको पॉजिटिविटी दे ही नहीं सकती है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने घर की क्लीनिंग कर रहे हैं तो पूरी अच्छे से क्लीनिंग कीजिए, ताकि आपके घर में ना जाले हो, ना दीमक हो, ना कचरा ज्यादा हो। इन चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपके घर में नेगेटिविटी नहीं होगी। घर के अंदर टूटा हुआ सामान, खास करके फर्नीचर, फर्नीचर अगर टूटा हुआ होता है, उसमें भी स्पेशली बेड की बात करते हैं, कहते हैं बेड अगर टूटा हुआ हो, बेड अगर खराब हो, तो वहां भी उस बेड पर तो सुकून आता ही नहीं आता है, लेकिन उस बेड पर सोने वाले लोगों के रिश्तों के बीच में तनाव जरूर होता है, बहुत खटपटा रहती है ऐसे लोगों के अंदर, बहुत सुकून की लाइफ नहीं होती है उनकी। तो हमेशा ध्यान रखना है क्लीनिंग के साथ साथ आपने उन चीजों का ध्यान रखना है जिनका यूटिलाइजेशन किसी खास मकसद, खास समय के लिए होता है, जैसे सुकून की नींद पाने के लिए बेड का इस्तेमाल होता है। लेकिन वहां आपको सुकून की नींद कहाँ आ रही है, वहां तो आपको खटर पटर सी मची हुई है जिंदगी में। तो ऐसी जिंदगी जो होती है वो आपको घर में भी डिस्टर्बेंस देती है और बाहर जाकर के भी तरक्कियां नहीं छूने देती है, वहां भी जाकर के आपकी जिंदगी में कुछ ना खलबली मची ही रहती है। अब ये तो दरवाजों की बात हो गई, खाने की बात हो गई, सामान की भी बात हो गई, किचन हो गया कि जहाँ खाने का सामान बनता है, बेड हो गया जहाँ सोने की बात होती है, और वॉशरूम हो गया जिसको आपने ध्यान रखना है कि कभी वहां पे खास करके जाले ना लगे। घर की मुख्य दहलीज हम क्लीन तो कर देते हैं, कई बार हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि या तो अंदर से क्लीन करते हैं या बाहर से क्लीन है। दरवाजा खोल करके उसकी मेन एंट्रेंस जिस पर कदम रख करके आप अंदर बाहर जाते हैं, बार बार अपनी जिंदगी के कुछ अच्छे पहलू जीने के लिए भी जाते हैं और कुछ तरक्कियां पाने के लिए भी जाते हैं। तो अगर उस दहलीज को ही आप गंदा रखेंगे तो आपको तरक्की जाते समय भी नहीं देगी और घर आते समय आपको सुकून भी नहीं देगी। तो हमेशा आपकी दहलीज जो है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, चाहे वो स्टेप जहां रखा जाता है, पांव रखे जाते हैं उसको पार करते हुए, या फिर ऊपर का हिस्सा, दरवाजे के ऊपरी हिस्सा, वो भी आपका एकदम क्लीन होना चाहिए। और हमेशा कोशिश कीजिएगा कि गोधूलि वेला में अगर आप पूजा करते हैं अपनी दहलीज की, तो ये बहुत उत्तम मानी जाती है, आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि लाती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है अपने घर के माहौल को पॉजिटिव बनाने के लिए। घर की एंट्रेंस के ऊपर कांटेदार पौधा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। कांटेदार पौधा लगाने से जब भी आप उस घर के अंदर बार बार आते हैं, बाहर जाते हैं, तो आपके रिश्तों में खटास आना शुरू हो जाती है, बेवजह से रिश्ते दूर होना शुरू हो जाते हैं, यानी करीबियां खत्म होकर के दूरियां ज्यादा बनना शुरू हो जाती है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका घर का मुख्य दरवाजा है, मुख्य डोर है, उसके आसपास कहीं भी कांटेदार कोई भी पौधा नहीं होना चाहिए। नमक का कहते हैं पोचा घर के अंदर जरूर लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। थर्सडे को छोड़ करके बाकी दिन आप नमक का पोचा लगा सकते हैं, रविवार का दिन भी छोड़ दीजिए, इसके अलावा आप नमक का पोचा लगा सकते हैं। और खास करके अगर आप समुद्री नमक का पोचा लगाएं तो और भी ज्यादा बेटर, अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको मिलता है और आपके घर में सुकून भी आता है, आपके घर से जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी दूर होती है। घर में हमेशा कपूर से धुनी करनी चाहिए, सुबह शाम तो आप जरूर कीजिए। इनफैक्ट खुला कपूर आप अपने घर के हर कमरे में भी रख देंगे, थोड़ा थोड़ा मात्रा में रख दीजिए, तो ये भी आपके घर की सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे जब उसका पाउडर बन जाता है, थ्रो अवे, यानी उसको बाहर फेंक दीजिए, तो तब भी आपके घर की एनर्जी को ये बहुत पॉजिटिव करता है। और घर की एनर्जी अगर पॉजिटिव होती है तो हमारी जिंदगी बहुत सुकून से भरी हुई होती है, हमारी जिंदगी में खुशियों के पल भी जुड़ते हैं, तरक्की भी जुड़ती है, उत्तम स्वास्थ्य भी होता है। मेरी इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाना है, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, और बहुत सारे लोग अपने कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं,
अगर आपका सिर्फ छोटा सा एक प्रश्न है, दो प्रश्न है, तो आप अपनी कुंडली सुबह 6 बजे वाली वीडियो में डाल सकते हैं, जहाँ राशिफल होता है और वहां एक लकी विनर भी होता है, लकी अक्षर भी होता है और बर्थडे टिप भी होता है। तो पूरा फुल कॉम्बो पैक होता है सुबह 6 बजे के शो में। मेरे यूट्यूब चैनल पर जरूर देखा करें और हर व्यक्ति तक इन वीडियोस को जरूर पहुंचाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।